मॉर्निंग। तो आज आपके साथ दो प्रपोजल हम शेयर करेंगे। एक जमीन का 30-40 जो प्लॉट है, इसका मतलब प्लॉट नहीं है, जो बिल्डिंग का एरिया है उसके ऊपर हम दो प्रपोजल आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस प्रपोजल दोनों को कंपेयर कीजिए, जो आपको अच्छे लगे और जो भी प्लान आपको पसंद है तो उस प्लान को आप चूज़ कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन दो आज हम लेकर आए हैं, तो उसको एक बार आप देखिए, आपको अगर अच्छे लगता है तो जो भी एक अच्छे लगे तो उसको आप लीजिए, आपका मनपसंद घर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। है अभी यहाँ पर जो ड्राइंग है फर्स्ट प्रपोजल, उसके अंदर ठीक है। तो फर्स्ट प्रपोजल में क्या है देखिए, यहाँ पर जो मैंने कहा था 30 फीट और 40 फीट, ओके 30x40, तो इसका मतलब 1200 स्क्वायर फीट, ओके। तो इसमें जो है ये आप हमारा ऑप्शन वन, ओके। तो इसमें क्या क्या चीज़ हमने रखा है पहले देखिए। तो इसमें जो चीज़ है यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास जो प्लान है, प्लान के हिसाब से जहाँ पर हमारा विंडो या जहाँ पर वेंटिलेशन हम रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ जगह को अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज किया है। तो ये भी आपके साथ आज शेयर करते हैं। तो आज तो मैंने पहले ही कहा है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए देखिए। तो ऑप्शन वन में क्या क्या चीज़ हमने रखा है पहले, तो ये जो जगह है देखिए, यहाँ पर जो अभी यहाँ पर जो वॉल आउटसाइड में, यहाँ पर वॉल 10 इंच, इसका मतलब 250 mm जो हमारा मिलीमीटर में आता है, ठीक है। तो इसको हम पहले कलर करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर आउटसाइड वॉल 10 इंच, इसका मतलब 250 mm। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक वॉल, जहाँ पर हमारा 10 इंच का वॉल है, इधर भी वॉल। तो हम ऐसे कलर करके क्यों दिखाते हैं आपको, इसमें क्या होगा आपका नॉलेज जो है इजी से आपका आ जाएगा, आपका आइडिया जो प्लान कैसे होना चाहिए, कहाँ पर वॉल होना चाहिए, इसका कौन सी वॉल में कितना थिकनेस होना चाहिए, ये भी आपको अच्छे से नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो हमारा वॉल है उसको हमने कर दिया है जहाँ पर 10 इंच, इसका मतलब 1250 का वॉल है। यहाँ पर जो देखिए देखिए अभी जो वॉल हम यहाँ पर कलर करते हैं, तो ये वॉल हमारा 125 यानी 5 इंच का वॉल है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटरनल वॉल सब जो है, पार्टीशन वॉल सभी है यहाँ पर 5 इंच का वॉल, ओके। देखिए यहाँ पर भी 5 इंच का वॉल, यहाँ पर भी 5 इंच का वॉल, ओके। तो उसके बाद हो गया हमारा वॉल का पोजीशन। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, इसमें जो हमारे जो इसके अंदर जो विंडो होना चाहिए, तो विंडो का ऐसे हम दिखाते, दो पार्ट है विंडो का होता है ऐसे, जिसमें हम विंडो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रंट में विंडो होना चाहिए, स्टेयर के बगल में भी विंडो होना चाहिए, यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड करेंगे इधर, ठीक है, इधर भी विंडो प्रोवाइड करेंगे इधर, ओके। तो एक प्लान के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो जो चीज़ आपको चाहिए प्लान के अंदर, सब कुछ हम दिखाएंगे ऑप्शन वन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डिटेल्स है वो हम शेयर करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर एक कार पार्किंग, आपका गाड़ी जो है रखने का जगह, ठीक है, ओपन कार पार्किंग, ओपन है यहाँ पर। तो आप इसको आउटसाइड से वॉल भी देकर इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ओपन कार पार्किंग 10 फीट 10 इंच और यहाँ पर 14 फीट 10 इंच, तो हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हमारा कार पार्किंग का जगह, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार पार्किंग के बाद हम जाएंगे यहाँ पर जो है एंट्रेंस,
एंट्रेंस, ओके एंट्रेंस, एंट्रेंस इधर से हम करेंगे आप एंट्रेंस में। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक लिविंग लिविंग रूम या वेटिंग रूम, ओके वेटिंग रूम यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, बाहर से जो गेस्ट आएगा इधर बैठने का जगह मिल जाएगा। तो इधर भी हमने एक काफ़ी बड़ा एक जगह रखा है जो अच्छा सा होगा, यहाँ पर 14 फीट 5 इंच, पहले देखिए 10 फीट 1 इंच बाई 14 फीट 5 इंच, ओके। नेक्स्ट हम कहाँ पर जाएंगे, इधर इधर देखिए स्टेयर हम इधर सेपरेट रखा है, अगर इधर एक ओपन जगह हमने रखा है इधर, तो इसका जो डिस्टेंस है इधर 4 फीट 3 इंच, ओके। इसके बाद इसका जो डिस्टेंस है टोटल 7 फीट इधर ऐसे, ठीक है, तो 7 फीट ऐसे है इधर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे इसका जो है लैंडिंग इधर, तो इसमें आपको देखिए 10 इंच करके लैंडिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपका जो इधर है 3 फीट 3 इंच का है, ठीक है। नेक्स्ट इधर एक ओपन, तो यहाँ पर 4 फीट का हमने एक ओपनिंग रखा है, तो आप इससे इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसका आप ऐसे रख सकते हैं जो आपका तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए डाइनिंग और ड्राइंग दोनों एक साथ है इधर, ठीक है। इसमें हमने इसको भी काफ़ी बड़ा रखा है, 14 फीट 6 इंच, और अदर साइड में 15 फीट 6 इंच, ओके। तो इसमें आपका डाइनिंग और ड्राइंग रूम आ जाएगा। इसके साथ हमने 2 बेडरूम इधर रखा है, जहाँ पर यहाँ पर डोर भी रखा है, इधर भी डोर, इधर डोर, ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बेडरूम है, इसका बेडरूम, तो इसका कितना डिस्टेंस आएगा, 13 फीट 6 इंच, और इधर 12 फीट 1 इंच, ओके ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट हम इधर रखेंगे डिस्टेंस, नेक्स्ट जो अदर्स और एक बेडरूम है, यहाँ पर 2 बेडरूम का प्लान, क्योंकि इसमें हम एक कार पार्किंग रखा है, इसलिए इधर 2 बेडरूम आ गया, एक लिविंग रूम डाइनिंग रूम सब कुछ इधर रखा है, तो इधर भी एक बेडरूम, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन किचन, तो किचन का अगर मिडिल से हम ऐसे रखेंगे तो इसका डोर तो अच्छा दिखने लगेगा इधर से, ठीक है। तो इसमें हम जो डिस्टेंस रखा है 9 फीट 1 इंच, और इधर जो डिस्टेंस रखा है 7 फीट 7 इंच। इसके बाद देखिए इधर एक टॉयलेट रखा है, जो बाथ एंड लेट्रिन, तो इसका डिस्टेंस 5 फीट, और इधर 7 फीट 7 इंच। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल 1। इसमें क्या क्या है देखिए, कार पार्किंग, लिविंग रूम, डाइनिंग ड्राइंग रूम, स्टेयरकेस, 2 बेडरूम, किचन, बाथ, और इसका जो कॉलम कहाँ पर हमको रखना चाहिए, तो देखिए इससे कॉलम का भी पोजीशन हम रखेंगे, देखिए ऐसे हम रख सकते हैं इधर, और इधर भी हम रखेंगे। तो इसमें कॉलम जो आएगा, हम एक आपको कॉलम का भी पोजीशन अभी इसमें सेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका बिल्डिंग का भी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए 15 फीट है, और इधर हम इधर एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो हो गया फर्स्ट प्रपोजल, इसका फर्स्ट प्रपोजल ऑप्शन आपने देखा है। चलिए हम सेकेंड प्रपोजल आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए इसमें सेकेंड प्रपोजल आया है, तो सेकेंड प्रपोजल में क्या क्या है, इसमें देखिए हमने रखा है इधर भी सेम 30 फीट, और इधर हमारा 40 फीट, 1200 स्क्वायर फीट का सेकेंड प्रपोजल। क्योंकि आपको एक प्रपोजल देखने के बाद हो सकता है आपको कुछ मन में
क्वेश्चन आता होगा, इसमें और कोई चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, देखिए इसमें मैंने दिखाया है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इधर पहले जो हमारा जो वॉल आएगा, तो वॉल जहाँ पर हमारा 10 इंच आएगा, देखिए 10 इंच का वॉल हम इधर पहले आपके साथ शेयर करेंगे। तो 10 इंच का वॉल यहाँ पर है जो आपने अभी देखा है, यहाँ पर मैंने पहले भी जो किया था। तो इसमें आपको 3 बेडरूम का प्लान मिलेगा। तो इसमें मैंने जो फॉन्ट में जो आपका कार पार्किंग था उसको मैंने नहीं रखा है कार पार्किंग इस प्लान में, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर 1 बेडरूम ऐड कर दिया है, किचन भी चेंज कर दिया है। तो उसके इसके लिए आप एक बार देखिए प्लान को, आपको आपको अच्छा लगेगा तो आप जो भी ऑप्शनल आपको अच्छा लगेगा, जो भी ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन हमने आपके साथ शेयर कर लिया अभी। तो 2 ऑप्शन में आपको जो भी ऑल्टरनेट ऑप्शन चाहिए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको लेकर आप आपका बिल्डिंग का प्लान बना सकते हैं, बिल्डिंग भी बना सकते हैं उसको लेकर। तो ये अंदर का वॉल है, 5 इंच का वॉल, पार्टीशन वॉल है, ठीक है। इसमें हमने पार्टीशन वॉल रखा है। तो पार्टीशन वॉल ऐसा होता है, इसमें घर का जो 5 इंच रखा है पार्टीशन वॉल, और जो वॉल है आउटर वॉल 10 इंच रख, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो डोर और जहाँ पर विंडो है, और उसका भी हम मार्क करेंगे। देखिए डोर यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डोर है, देखिए यहाँ पर भी डोर है। तो उसके बाद इधर भी एक डोर, ओके, और इधर भी एक डोर, इधर भी एक डोर। तो क्यों ऐसे प्लान हम रखा है पहले देखिए, उसके बाद आप खुद ही आप इसको देख आपको एक आइडिया आएगा जो क्यों मैंने इस टाइप का प्लान में रखा है। तो विंडो और वेंटिलेशन जहाँ पर होना चाहिए हम ऐसे ही रखा है, क्योंकि इसका चारों साइड में ओपनिंग है और जगह भी है, इसलिए हमने इसको विंडो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप भी कर सकते हैं, आपके पास जगह है, अगर नहीं है तो आप इसको विंडो मत प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, इधर भी ऐसे। तो है हमारा ऑप्शन 2, इसमें हमने 3 बेडरूम रखे हैं। तो 3 बेडरूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो फैसिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा, यहाँ पर एंट्रेंस जहाँ पर है एंट्रेंस मिलेगा, एंट्रेंस आप स्टार्टिंग में यहाँ पर एक स्टेयर का जो आप इधर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 फीट 6 इंच का वाइड मिलेगा, इधर मिलेगा 3 फीट 6 इंच का, और इधर मिलेगा 3 फीट 6 इंच का वाइड का। तो इधर आप लिविंग और वेटिंग, तो इसमें क्या होगा, फ्रंट में रखने के बाद आपको एक अच्छा सा यहाँ पर ओपन अच्छा से स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि देखिए बाहर से जो आदमी आएगा यहाँ पर बैठ सकते, ऊपर भी आप प्लान बनाएंगे तो इधर से ऊपर चला जाएगा, तो अंदर के साथ उसका कोई कनेक्टिंग नहीं रहेगा, ठीक कहा ना। उसके बाद यहाँ पर डोर रखेंगे, यहाँ पर एक बेडरूम हम प्रोवाइड करेंगे फ्रंट में। तो क्यों देखिए इसका जो डिस्टेंस है अभी 12 फीट, और इधर जो है 11 फीट, ओके। नेक्स्ट हम इधर रखा है डाइनिंग, ओके, डाइनिंग का जो जगह है इधर 8 फीट 6 इंच, और देखिए टोटल जो इधर जो स्पेस है ना टोटल, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 50% से, यहाँ पर 14 फीट हम रखेंगे। यहाँ पर डोर, किचन यहाँ पर प्रोवाइड किया है देखिए, तो किचन का भी डिस्टेंस हमने रखा है 8 फीट 7 इंच, और इधर जो है 6 फीट 7 इंच। तो किचन हो गया, किचन के फ्रंट में देखिए यहाँ पर एक डाइनिंग रखा है, यहाँ पर ओपनिंग है, इधर भी ओपनिंग है। तो यहाँ पर ड्राइंग रखा है, ड्राइंग, तो ड्राइंग का डिस्टेंस भी सेम है 8 फीट 6 इंच, और इधर का जो डिस्टेंस है 14 फीट 4 इंच ऐसे रखा है, और इधर का जो डिस्टेंस है 11 फीट 10 इंच, और इधर का जो डिस्टेंस है देखिए 15 फीट 6 इंच। तो आपको एक देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं इसको अंदर का एक कलर करके, देखिए
देखिए ये जो जगह है आपने अभी देखा है, यहाँ पर आपका ड्राइंग, डाइनिंग, ओपन हॉल रूम टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड करके यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो कॉमन आपका यहाँ पर बाहर से जो आदमी आएगा वो इसको यूज़ करेगा, ठीक है। जो भी कॉमन आप कॉमन बाथ एंड WC के लिए यहाँ पर इसको यूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर एक डोर आएगा, यहाँ पर एक बेडरूम आएगा, तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। इसका भी डिस्टेंस 10 फीट 6 इंच और इसका डिस्टेंस 11 फीट। तो यहाँ पर डोर, यहाँ पर स्टोर रखेंगे हम, एक स्टोर, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोर हम रखेंगे, यहाँ पर एक टॉयलेट, यहाँ पर बेडरूम। तो इसका भी डिस्टेंस है 12 फीट और इधर डिस्टेंस है 11 फीट। ओके, टॉयलेट का डिस्टेंस कितना, तो 5 फीट बाई इधर 6 फीट। जो स्टोर आएगा इधर 5 फीट और इधर 4 फीट 7 इंच। अगर आपको लगता है इसको आप टॉयलेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनल डक्ट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए, तब इसको स्टोर से टॉयलेट बना सकते हैं। तो इसमें आपका और भी एक चीज़ चाहिए, जो आपका कॉलम। तो देखिए 2 4 5 6 8, ओके, ऐसे करके आप यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं तो इधर बहुत ही बढ़िया देखिए आपका एरिया है, डिस्टेंस है इधर, ठीक है, इधर भी है, देखिए आपको कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो आपका जगह जो है इधर आपको इतना कॉलम चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मैंने आपको दिखाया, ऑप्शन बेडरूम 1 2 3, उसके साथ एक किचन, एक बाथ कॉमन, उसके साथ लिविंग डाइनिंग स्टेयर, स्टोर रूम और टॉयलेट, टॉयलेट का भी डोर इधर है, घर के साथ अटैच। तो आप दो प्रपोजल को देखिए, एक प्रपोजल चूज़ कीजिए, मैं ऑप्शनल 2 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो इसमें आपको दो प्रपोजल से आप एक प्रपोजल चूज़ कीजिए, आपको जो प्रपोजल अच्छे लगे आप उस टाइप का प्रपोजल इसमें देख सकते। देखिए ये प्रपोजल आपने देखा सेकेंड, और देखिए और एक प्रपोजल है इसमें देखिए फर्स्ट प्रपोजल। तो दोनों का आप कंपेयर करके जो भी आपको लगता है अच्छा है तो आप उस प्रपोजल को पहले चूज़ कीजिए और उसके बाद आप प्लान बनाए। तो प्लान अच्छे लगे और प्रपोजल अच्छे लगे तो लाइक कर देना।